तसल्ली ला ली सांझा, अगर ना आखे पे देना बहु हाल तक तुझ गर्मी काट लो तो मोड़ा सी खूबसूरत ये है भाई। हमारे पास कौन से यूट्यूबर, कौन से हमारे बहन भाई हमारे घर ये दुरुद पाक पढ़ते रहते हैं जी। छुट्टी है ना उधर से देवी तू यार, छुट्टी 12 छुट्टी ये भाई, गर्मी हमारी कैसे गुजरेगी ये भी एक तो अल्लाह जानता है, अल्लाह पाक बेहतर जानता है। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली क्योंकि कल की वीडियो इतनी ज्यादा खास नहीं थी, किसी ने कोई देखी नहीं। अच्छी खासी वीडियो बना रहा था। अच्छा जी कल की वीडियो इतनी ज्यादा खास नहीं थी, मैंने पहले ही बता दिया था इतनी ज्यादा खास नहीं है, तो देखना देखो नहीं देखना ना देखे, लेकिन देख लेते यार आप लोगों ने बस मेरी बात मान ली। तो आज मुकम्मल वीडियो आज करेगा, चले आज देखते हैं कौन कौन हमारी बात मानता है। सबसे पहले तो आपको बताया भाई मौसम जो है गर्मी का शुरू हो चुका है और धूप बहुत तेज लग रही है और इतनी तेज धूप है कि मैं बात जब भी करता हूँ ये बीच में हाथ। अच्छा मस्ती इसको सुबह से उठी है मस्ती पे मस्ती की जा रही है भाई, तो आराम से रुक जाए मुझे वीडियो बनाने। चंडा मारे रखे चंडा नहीं, आज मैंने शेव करा ही लिए तो हद से मतलब बाहर निकल गई है। अच्छा जी आज ये मौसम बहुत इसने ना सत्यानाश ही कर दिया। अरुते तू चल काम कर मैं वीडियो बना। अच्छा जी आज गर्मी बहुत तेज है और आपको पता ही है हाथों पाई तो करती रहती है, तो आपको बताया भाई हमारे यहाँ जो है ये सरसों का साग हमने बनाया था, पिछली वीडियो में हमने बताया भी था, अभी हमने सरसों का साग लगाया तो काफ़ी हमारे बहन भाइयों ने फरमाइश की थी कि साग हमें भी दे। इस्लामाबाद से हमारी एक बहन है वो भी मैसेज कर रही थी कि नासिर भाई हमें साग बहुत पसंद है तो हमें भी दे। तो बात ये है भाई साग यही खड़ा हुआ हमारे पास, जिस साग बड़ा बड़ा हो गया तो इजी कर दी साग इजी पैसा कर दे इजी साग इजी हो जाएगा, तो ये भी सिस्टला होतला तो पता नहीं क्या कुछ हो जाता। तो हमारी बहन इस्लामाबाद से वो भी साग मांग रही थी, तो भाई हमारे पास सरसों ये खड़ी हुई है, सरसों के फूल भी अभी निकलने शुरू हो चुके हैं, ये देखिए माशाल्लाह जी सरसों के फूल निकलने शुरू हो चुके हैं, ये भी सरसों खड़ी हुई है। तो बात ये है भाई हम लोग किस तरीके से आप तक पहुँचाए वो हमें बता दें, हम लोग इंशाल्लाह आपको भिजवाएंगे। तो हाँ हमें बताया तो सही ना भाई ये भेजिए आप तक किस तरीके से, या तो फिर आप आ जाएं यहाँ पे। अच्छा नहीं चले आज ऑफर हो गई जी सब हमारे बहन भाइयों को, ऑफर ये है भाई हमारे पास कौन से यूट्यूबर, कौन से हमारे बहन भाई हमारे घर आना चाहते हैं तो वो हमें कमेंट्स करके लाजमी बताएं, तो उनके लिए इंशाल्लाह हम एक छोटी सी दावत करेंगे। लेकिन हमें बताएं भाई हमारे हमारे बहन भाई कौन कौन हमारे घर पे आना चाहता है तो, और कौन साग लेना चाहता है वो भी हमें कमेंट्स करके बताएं। साग साग लेना चाहता तो कौन सर को कड़क दे गंदम लेना चाहता दाने हाँ तो सरसों का साग भी हम लोग सरसों का साग जो है वो इंशाल्लाह जो हमारे बहन भाई हमारे घर पे आना चाहते हैं उनको सरसों का साग भी देंगे। चलो ये भी ले जाएं तो और दूसरी बात यह है जो वहाँ पे मंगवाना चाहते हैं वो हमें तरीकेकार बता दें तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे भाई उन तक हमारा साग जो है उन तक पहुँच जाए। तो बाकी फिर एक मरतबा ऑफर दे रहे हैं जी हमारे बहन भाई कोई अगर हमारे घर पर आना चाहते, मौसम जो है माशाल्लाह खुल चुका है, सूरज वगैरह निकलना शुरू हो चुका है और गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है। आजकल मौसम इतना ज़्यादा गर्म नहीं है, ठंडा मौसम है, नई नई मतलब कि शुरुआत हो रही है गर्मी की, तो और इस मौसम में जो है आगे पीछे अगर आप आना जाना चाहें तो आपको मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना कोई सर्दी की ना गर्मी की और ना तेज़ धूप की। हाँ खास कर हमारे घर में जिसने आना है वो टाइम पे बता दे, उसकी वजह ये है हमारे घर में बिठाने उठाने की कोई जगह नहीं है क्योंकि हमारे घर में हम लोग मतलब इंतज़ाम कर लेंगे क्योंकि ये मौसम जो है ना ये मतलब के आराम से बिठा सकते हैं हम लोग ना, क्योंकि फिर ज़्यादा गर्मी होगी तो फिर बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाएगी, क्योंकि हमने जो है गर्मियों का एक तोड़ भी किया है वो ये है कि ये देखें ये हमने घर में बनाई है जी एक छपरी, छपरी किस चीज़ की है हमारे पास पड़ा हुआ था जी एक कपड़ा वो तंबू नुमा मतलब इसको हम लोग टेंट के मतलब के किसी से मांगा था तो उन्होंने ये हमें दिया था, तो इसकी हमने बनाई जी छपरी
नीचे बैठने के लिए बच्चों के लिए बनाना मतलब जरूरी हो गया था ना, क्योंकि अगर ये ना बनाते ना तो यहाँ पे मतलब आपको पता है हमारे पूरे घर में जो है, घर अगर हमारा अपना जाती होता तो हम लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ मतलब करते, कोई मतलब कि यहाँ पे कोई मुश्किल मतलब कोई छपरी वगैरह कोई मतलब सही बनाते कोई, लेकिन वो भी पैसों से बनती है। तो ये हमारे पास कपड़ा पड़ा हुआ था, उस कपड़े से हमने ये मतलब छपरी बनाई है। तो ये है भाई, इसके नीचे बैठने की जगह जो है वो हम लोगों ने माशाल्लाह बना दी है। बच्चे जो हैं वो अभी आराम से सो रहे हैं, लेकिन जब मज़ीद गर्मी बढ़ेगी तो सूरज यहाँ से निकलेगा, यहाँ से अभी तो खैर यहाँ से निकलता है तो इतनी मतलब यहाँ पे मतलब साए की इतनी सख्त ज़रूरत नहीं है। सूरज यहाँ से निकलेगा तो यहाँ से धूप जाएगी अंदर और यहाँ तक धूप जाएगी। तो बहरहाल ये है भाई, हमने गुजारा कर दिया। तो बाकी ये कोशिश करेंगे भी अल्लाह पाक कहीं से हमें कोई हाँ जी कोई पैसे हो जाए मन तो दे ना सी बना के साइड दे सी पतल वगैरह ला के दे सही तरह खूबसूरत करके ना सही। तो बाकी अभी माल मालकों का भी अभी पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोला था भाई ये सर्दी आप गुजार लो, गर्मियों में कहीं और चले जाइएगा, लेकिन अभी तक तो उन्होंने खैर कुछ नहीं बोला। तो देखते हैं अब क्या करना। बहरहाल ये जो है ना वीडियो देखी होती ओदे विच असी समान अपना बंद सारा रखियो है हाई उस वजह तो ना के भी सन वेला करो से अपने मकान पावणे जे किसी और नु बहावणा से अपने रिश्तेदार। तो बहरहाल जी हुन अगले सर्दियां हां पे हुन तो गर्मियां आ गई हैं हुन पता। अब देखते हैं बहरहाल जी ये जो है छपरा वगैरह जो हमने बना लिया है। तो बहरहाल बात ये कर रहा था भाई, कोई अगर आना चाहे तो माशाल्लाह वेलकम, हम लोग उनका वेलकम करेंगे और उनकी दावत करेंगे जितनी हमारी औकात है उस औकात के हिसाब से। लेकिन सर फोन करके पहले दो चार दिन पहले संदेश लेके से इंतजाम सही कर ले। हाँ, क्योंकि हमारा नंबर है वो चैनल पे हम लोगों ने आजकल नंबर लगाना शुरू कर दिया, किसी ने कोई रابطہ करना पहले हमें कॉल करके लाजमी बताया, क्योंकि एक हमारी बहन है फैसलाबाद से वो बगैर बताए हमारे घर पर आ गई थी। तो इस तरह ना कीजिएगा, कॉल करके आए और इंशाल्लाह हम आपकी दावत करेंगे, दिल से करेंगे। एहतराम आपका हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़र्ज़ है हमारे पे। तो बहरहाल ये छपरी वगैरह बन गई। अब अगली बात ये है भाई, यहाँ से हम लोग किचन जो है वो हम लोगों ने शिफ्ट करना है उस जगह पे, क्योंकि पिछली मरतब हम लोगों ने यहाँ पे किचन बनाया था खाने वगैरह का। एक तो यहाँ पे साया भी होता है सुबह के टाइम भी, और सुबह के टाइम इतना नहीं होता, बहरहाल होता है तो हमने सोचा भाई यहाँ पे जो है यहाँ पे बनाएंगे जी किचन, चूल्हे वगैरह यहाँ पे लगाएंगे और यहीं पे इंतज़ाम करेंगे जी नमाज का, क्योंकि पिछली मरतबा हम लोगों ने यहाँ पे जानमाज का इंतज़ाम किया हुआ था। तो अब यहीं पे करेंगे। बहरहाल अभी आप लोगों से मशवरा करना है। अगर दूसरी बात है मालिक मकानों से भी फ़िलहाल पूछना है भी, वो ये ना कहें भाई यहाँ से उठ जाओ, तो हम लोग इतना मतलब करें भी सही तो फिर बाद में। हाँ जी पहले उनको पूछ लिया ना तो सही तसल्ली ला ली सा, अगर हम ना आखे पे देना बबो हाल तो तुस गर्मी काट लो तो मोड़ा सी खूबसूरत करते किचन बने चाहे इंशाल्लाह। अगर हम ना आखे पे तुस उठ जाओ तो मोड़ तो जहर गाल ली मोड़ तो कड़ा से किचन भी जो है वो कच्चा, मतलब ये नहीं समझे भाई पक्का बनेगा तो पता नहीं क्या कुछ होगा। बहरहाल ये हम लोग यहाँ पे मतलब किचन मतलब चूल्हे वगैरह जो है वो यहाँ पे इंशाल्लाह इंतजाम करेंगे चूल्हों का, और कोशिश करेंगे कहीं से अल्लाह करे कोई हिसाब सही हो जाए तो यहाँ पे कोई मतलब वो लिपाई वगैरह भी इसकी करेंगे, इस साइड पे भी, इस साइड पे भी मिट्टी से ना, तो इस साइड पे भी लिपाई वगैरह करेंगे इसको मतलब साफ सुथरा कर। दिल दी भौंडे सारी है, क्योंकि अपना घर तो है कोई चल किसी का घर सही है ना, किसी के घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖਵਾਸ ਮੇਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਬਲੀ ਸਾਰੇ ਲਿੰਬ ਕੇ ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂ ਕਰਤਾ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਕਰਕੇ ਸਜਾਉਣਾ ਹੈ। हाँ फुल बूटे ला के फुल बूटे ला के। तो बारह ये यहाँ पे हम लोग करेंगे इंशाल्लाह किचन का इंतज़ाम, वो छपरी का भी हो गया। अब बात ये है भाई गर्मी हमारी कैसे गुजरेंगी, ये भी एक तो अल्लाह जानता है, अल्लाह पाक बेहतर जानता है भाई हमारी कैसे गुजरेंगी। पिछली मरतबा थोड़ी सुकून से गुजरी थी क्योंकि यहाँ पे कोई दरख्त थे उनका साया था, अब यहाँ पे तो गर्मी भी वैसे बहुत पड़ेगी और ये ऊपर ये कपड़ा है, ये ना समझेगा ये कुछ वो ऊपर सूरज नजर आ रहा है आपको, तो ये कपड़ा है गर्मैश ऊपर से गर्मैश भी होगी, पंखे का इंतजाम भी नहीं है ना हमारे पास, कोई सोलर है, वो सोलर एक प्लेट पड़ी हुई है वो किसी काम की नहीं है, वो आपके सामने वो उससे बैटरी जो है वो भी चार्ज नहीं होती, मोबाइल की मोटरसाइकिल की बैटरी रखी हुई है आपको पता है, वो उसको चार्ज करके हम लोग रात गुजारा करते हैं। तो यहाँ लाइट का इंतज़ाम नहीं है। एक हमें कॉल आई थी काफ़ी दिन पहले, वो कोई पता नहीं कोई यूट्यूबर थे मेरे ख्याल में, क्योंकि मैंने भी नहीं इतना पूछा,
और उन्होंने हमें ऑफ़र की थी कि नासिर भाई आपको हम लोग जो आपका मंथली किराया है ना वो हम लोग आपको देंगे, तो आप किराए का मकान ले लेना। तो खैर मैंने भी उनसे दोबारा ना रابطہ किया है और ना ही उन्होंने फिर मेरे से रابطہ किया। तो मेरा इरादा था भाई अगर कुछ इस तरह का कोई सिलसिला चल जाता तो हम लोग कोई किराए का मकान लेके वहाँ बैठ जाते। चल मकान किराए भर लेते हैं कोई थोड़ा गंजे होते ही बिजली का होम दा है देना लगा तो बिजली बह गैस थोड़ा हम लग गई गैस भाई थोड़ा हम लग गई बिल। तो बहरहाल वो अभी तक तो खैर है उनका वो मतलब कोई रابطہ नहीं हुआ। ये एक तो हाथों पाई करती है। तो बहरहाल ये यहाँ पे चलें ये तो बातें होती रहेंगी। दूसरी बात ये है बच्चे अंदर क्या कर रहे हैं। बच्चे आपको मैं दिखा दूँ जी, बच्चे आजकल बच्ची आई हुई जी मदरसे से, क्या कर रहे हो भाई ये देखें जी, ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जी वजीफ़ा कर रहे हैं। वो वहाँ पे बैठे हुए वजीफ़ा कर रहे हैं, दुरूद पाक पढ़ रहे हैं बैठे हुए, और ये यहाँ पे बैठे हुए दुरूद पाक पढ़े जा रहे हैं। माशाल्लाह जी मेरी बेटी आई है मदरसे से, तो इन्हों... मेरी बेटी आई है मदरसे से तो इन्होंने अपनी अपनी पार्टी बनाई हुई है। इन्होंने ये दो इसके जिम्मे लगी हुई हैं, एक उसके जिम्मे लगा हुआ है। इन्होंने अपने अपने भाइयों को अपनी बहनों को अपने पास रख लिया जी, वजीफे करो बैठ के, ये दुरूद पाक पढ़ते रहते हैं जी। तो बहरहाल माशाल्लाह बच्चे मेरे वजीफे करते रहते हैं जी, अल्लाह पाक कामयाब करे, अल्लाह पाक मेरे बच्चों को हाफिज़ और आलिम बनाए और सबके बच्चों को अल्लाह पाक हाफिज़ और आलिम बनाए, अल्लाह पाक दीन के रास्ते पे चलने वाला बनाए सबको। तो बाकी जो है मैं आप तमाम बहन भाइयों सब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो हमारे बहन भाई जो हमें सपोर्ट करते हैं दिल से, तो उनका दिल से शुक्रिया। और उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।